नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम भार्ग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्रॉम गाइड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2 जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर यानी कि संघवाद, इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा रुचिकर भी है क्योंकि हमारे देश की सरकार से जुड़ा हुआ चैप्टर है। चैप्टर का नाम है संघवाद, को इंग्लिश में फेडरलिज्म भी बोलते हैं। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये किस क्लास का है, क्लास एक्स। इससे तो आप समझ ही जाएंगे क्लास 10th का है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। दोस्तों, हमारे देश की जो सरकार है, फिर किसी भी देश की जो सरकार है, वो किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाती है उसके बारे में जो है हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। फिर हमारे देश में जो है संघवाद नाम की जो शासन प्रणाली अपनाई गई है उसके बारे में क्या क्या बातें, वो सारी बातें भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, जो संघवाद है इसकी कोई अभी तक की बुराई नहीं है, कोई भी ऐसी कमी नहीं है जो हम यहाँ पर ढूंढ करके आपको बताएं। फिलहाल जो भी आएंगी चैप्टर वाइज वो मैं आपको सारे डेट टू डेट के लिए बता जाऊँगा। दोस्तों, संघवाद समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग पिछले चैप्टर पर चलते हैं, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था सत्ता में साझेदारी। साझेदारी का मतलब ही होता है चीज़ों को बांटना, और सत्ता का मतलब होता है शासन। यानी शासन को अगर बांट दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, सत्ता में साझेदारी। तो इसी तरीके से एक संघवाद शब्द निकल करके आता है सत्ता में साझेदारी करने के बाद। और ये साझेदारी क्या रहती है, आप देखिए समझिए। पहले वाले चैप्टर में क्या था, श्रीलंका और बेल्जियम नाम के दो देश थे, ठीक है। श्रीलंका में क्या करा गया, एक ज़्यादा पावरफुल जो ग्रुप था, जो ज़्यादा से लोग थे, उन्होंने दूसरे लोगों के ऊपर लड़ाई झगड़ा करा और एक एकात्मक शासन प्रणाली अपनाई। यानी कि वो जो ज़्यादा पावरफुल है वही वहाँ का राजा रह रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं सरकार अपनी बना करके चल रहे हैं। बेल्जियम में क्या करा गया, सभी लोगों को, चाहे वो ज़्यादा पावरफुल हो, कम पावरफुल हो, ज़्यादा क्वांटिटी में हो, मतलब ज़्यादा उनकी संख्या हो या फिर कम संख्या हो, सभी लोगों को इक्वल अपनी जनसंख्या के अनुसार या फिर उनकी इक्वलिटी के अनुसार उनको जो है सत्ता में आने का मौका दिया और सब पे समान शासन करने का मौका दिया गया। दोनों देशों में अलग अलग चीज़ें, समझ रहे हैं आप। एक में सिर्फ ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा संख्या वाले लोग हैं और दूसरे में सारे लोगों का मिक्सचर है, ठीक है। तो संघवाद कहाँ है, संघवाद दोस्तों ये होता है कि किसी एक सरकार को जब कई पार्टियों में बांट दिया जाता है या फिर किसी एक देश की सरकार कई भागों में मिलकर काम करती है, वही संघवाद कहलाता है। आपको मैं दो प्रकार की शासन प्रणाली बताता हूँ। शासन प्रणाली जो देशों में अपनाई जाती है वो दो होती है। नंबर एक होती है आपकी एकात्मक शासन प्रणाली और दूसरी होती है संघवाद यानी कि संघीय शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली और दूसरी होती है संघीय शासन प्रणाली। दोस्तों, दो प्रकार के जो शासन प्रणाली है, एकात्मक शासन प्रणाली और संघीय शासन प्रणाली, दोनों में एक मेजर डिफरेंस होता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आइए अब समझते हैं इन दोनों सरकारों के बीच में, इन दोनों शासन प्रणालियों के बीच में क्या क्या मुख्य जो डिफरेंस है, यानी कि क्या मुख्य अंतर होता है संघीय शासन प्रणाली में और एकात्मक शासन प्रणाली में। देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं संघीय शासन प्रणाली से कि संघीय शासन प्रणाली में जो सरकार है वो दो या दो से ज़्यादा स्तरों पर होती है, लेकिन मुख्य रूप से दो स्तरों पर बटी हुई होती है। कौन कौन सी दो मुख्य स्तर होते हैं, एक तो होता है आपका केंद्र सरकार और दूसरा जो होता है वो होता है आपका राज्य सरकार, ठीक है। यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों होती हैं, दोनों ही यहाँ पर भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है इन दोनों के बीच में एक खास डिफरेंस ये होता है कि ये पूरे राष्ट्र के महत्व के लिए कार्य करती हैं। जो राष्ट्रीय महत्व होते हैं, जैसे कि आपका पूरे देश को आगे ले जाना, उसके लेवल को दूसरे देशों के साथ में जोड़ना या फिर कोई भी देश के लेवल पर कोई भी काम करना, तो वो सारा कुछ भी केंद्र सरकार के जिम्मे होता है। और राज्य सरकार किसी भी राज्य में होने वाले दैनिक कार्यों में हिस्सा लेती है। यहाँ पे दैनिक कार्य बहुत सारे हो सकते हैं और दैनिक कार्य के अलावा कोई बड़े परियोजनाओं पर भी ये हिस्सा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मतलब जो राज्य सरकार है ये पूरे देश के लिए काम करे। वो सिर्फ एक छोटे राज्य में जो भी काम हो डेली बेसिस, चाहे वो मंथली बेसिस हो या फिर ईयरली बेसिस हो या फिर लाइफ टाइम के लिए हो, वो अपना राज्य सरकार संभालती है। केंद्रीय सरकार केवल देश को आगे ले जाने का काम करती है। अब यहाँ पर एक खास बात होती है कि दोनों ही सरकारें एक दूसरे के प्रति जवाबदेह नहीं होती, यानी कि राज्य सरकार अगर कोई भी काम करे चाहे ना करे, केंद्र सरकार से उसको कोई लेना देना नहीं, और केंद्र सरकार अगर कोई भी काम करे नहीं करे, राज्य सरकार से भी उसको कोई लेना देना नहीं।
इसमें थोड़ा सा कुछ होता है कि जो राज्य सरकार है ये वित्तीय रूप से यानी कि पैसों के मामले में थोड़ा सा केंद्र सरकार पर डिपेंड होता है, बाकी इसके और कोई भी ऑप्शन नहीं है कि ये इनके साथ में कनेक्टेड रहे, बस थोड़ा सा जो पैसों का काम होता है जैसे कि पैसे लेना किसी काम के लिए किसी परियोजना के लिए तो वो केंद्र सरकार पर डिपेंड होती है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल अलग है, ट्रांसपेरेंट हैं और सबसे खास बात है कि दोनों ही स्वतंत्र होकर के कार्य करती हैं। अब दोस्तों आते हैं एकात्मक शासन प्रणाली में। एकात्मक शासन प्रणाली में भी दो ही प्रकार की सरकारें हो सकती हैं या फिर यहाँ पर भी जो है अलग अलग प्रकार की सरकारें हों। सबसे पहले इसमें जो सरकार का स्तर होता है या फिर जो शासन का स्तर होता है वो एक स्त्री होता है, यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा स्त्री हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक स्त्री सरकार होती है इसलिए इसको हम एकात्मक शासन प्रणाली बोलते हैं। इसके अधीन में काम करने वाले जितने भी लोग हैं या फिर जितने भी अधीनस्थ कर्मचारी कार्यकारी समाज सेवी वो सारे लोग एक स्त्री सरकार यानी कि जो इसकी मुख्य सरकार होती है उसके अधीनस्थ आते हैं, ठीक है, तो वो सारे होते हैं अधीनस्थ। और दूसरी चीज अधीनस्थ और दूसरी खास बात ये सारे इसके जो प्रति जवाबदेह होते हैं यानी कि अगर ये कोई काम नहीं करेंगे तो ये इनसे जवाब मांग सकते हैं जवाब ले सकते हैं, पैसों का वित्तीय संसाधन या फिर पैसों का जितना भी लेन देन होता है वो भी आपस में ये इनके साथ में ही करते हैं, जैसे कि एक ये बच्चा है और ये पिता है तो जितने भी बच्चे को पैसे चाहिए वो अपने पिता से मांगेगा, तो ये जो है एकात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्था लागू होती है। इसके अलावा ये स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते, जनता के प्रति ये जवाबदेह नहीं होते, डायरेक्टली यही जवाबदेह होते हैं क्योंकि ये जनता से कनेक्टेड होते हैं, ये जनता से कनेक्टेड नहीं होते। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि जो इसमें मेन सरकार होती है यानी कि केंद्र सरकार, वो राज्य सरकार या फिर उसकी जो भी उन्होंने नाम रखा हो उसको कोई भी काम करने का आदेश दे सकती है, लेकिन इस सरकार में यानी इस शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर कोई भी किसी को आदेश नहीं दे सकता क्योंकि दोनों अपने तरीके से स्वतंत्र होते हैं इसमें जबकि इसमें स्वतंत्र नहीं होते। तो ये कुछ मेन इसके अंतर है, मैं आपको अंतर का एक चार्ट बना करके जो है इसके फाइनल वाली वीडियो में दे दूंगा, वहाँ पर आप दोनों को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों अब शुरू करते हैं संघीय शासन प्रणाली के बारे में कुछ और खास बातें, यानी कि संघीय शासन प्रणाली हमारे देश में या फिर किसी भी देश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, उसकी सबसे खास विशेषताएं क्या हैं, यानी कि कुल मिलाकर के हम बोल सकते हैं कि संघीय प्रणाली, दोस्तों संघवाद का मतलब ही है संघीय, ठीक है, संघवाद मतलब एक छोटा शब्द है सिंपल है और संघीय शासन प्रणाली जो है इसका विस्तारित रूप हम कह सकते हैं। तो संघीय शासन प्रणाली की जो खास बातें हैं यानी कि विशेषताएं हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में भी टोटल 7 या 8 विशेषताएं दी हुई हैं, विशेषता आई, हाँ ठीक है, मेरी राइटिंग इस समय बहुत ही गंदी हो रही है क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ा सा पैन है तो मैं बड़े अजीब तरीके से लिख करके इसको पकड़ करके रखा हुआ हूँ। तो संघीय शासन प्रणाली की जो सबसे नंबर वन की विशेषता है और सबसे खास जिसको हम बोल सकते हैं, मैं यहाँ पर बस केवल शॉर्टकट में लिखूंगा, आपको जो है इसकी फाइनल वीडियो जो मैं दूंगा उसमें सारे नोट्स में बिल्कुल सही तरीके से लिखा होगा। तो संघीय शासन प्रणाली में जो सबसे खास विशेषता है नंबर वन पे वो है इसमें दो या दो से अधिक स्त्री सरकार होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर दो या दो से अधिक स्त्री सरकार होती है, शासन होता है और दोनों अपने अपने प्रति स्वतंत्र होते हैं, किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते और दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और जबकि किसी से भी किसी का मतलब नहीं होता, तो ये इसकी सबसे खास विशेषता है। दोस्तों इसकी जो अगली विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर अलग अलग स्तर की सरकारें चाहे वो दो हों या दो से ज़्यादा स्तर की सरकार हों वो एक ही नागरिक समूह पर जो है शासन प्रणाली करती हैं, अपना मतलब शासन करती हैं, यानी कि देखिए इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये एक देश है और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग शासन हैं नागरिक हैं और यहाँ पर एक राज्य स्तर की सरकार है जो सिर्फ इतने लोगों को संभाल रही है और एक केंद्र स्तर की सरकार जो पूरे सारे लोगों को संभाल रही है, यानी कि अगर हम बात करें सिर्फ इन लोगों की ग्रुप की तो इतने लोगों के ग्रुप पर दोनों प्रकार की जो सरकारें हैं वो अपना अपना शासन करती हैं, लेकिन हाँ अब अलग कुछ काम होगा जैसे कर वसूलना हो गया या फिर इनको कुछ सुख सुविधाएं देना हो गया तो वो अपने अपने स्तर पर करती हैं, जैसे राज्य सरकार है वो सिर्फ इतने लोगों के लिए करेगी, जो केंद्र सरकार है वो पूरे लोगों के लिए करेगी। दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि जितने भी स्तर की सरकार हो मुख्य रूप से दो या फिर दो से ज़्यादा, इनके जितने भी अधिकार क्षेत्र होते हैं यानी कि क्या क्या कर सकती हैं क्या नहीं कर सकती हैं उन सारे अधिकारों को बिल्कुल ही डिटेल वाइज जो है संविधान में हमारे लिखा जाता है, तो इनके जितने भी अधिकार क्षेत्र होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से सुरक्षित होते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि वो सेफ हैं, संविधान में उनको लिखा गया है और कोई भी दूसरे स्तर की सरकार किसी दूसरे स्तर की सरकार पर जबरदस्ती अवांछनीय रूप से कोई भी बोल सकते हैं क्या कि
फोर्स नहीं कर सकती या फिर उसको कुछ भी उसके ऊपर थोप नहीं सकती, कोई भी कानून नियम या फिर कोई भी काम ऐसा करके कुछ भी थोप नहीं सकती। तो यहाँ पर अधिकार क्षेत्र क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और इनके बारे में न्यायालय में भी केस किया जा सकता है अगर कोई दूसरी स्तर की सरकार जो है कुछ भी उन पर बोल दे कि भाई ऐसा तो लिखा नहीं और तुम जो है जबरदस्ती उस पर हमारे ऊपर उस काम को पेल रहे हो। चौथी जो इसकी खास विशेषता है वो ये है कि अगर दोस्तों संविधान में कुछ भी बदलाव करना हो, जो हमारे संविधान की बुक है उसमें जो मौलिक जितना भी संविधान का मतलब मूल ढांचा है उसको छोड़ करके बाकी किसी भी कानून में अगर कोई परिवर्तन करना हो तो अकेले कोई भी एक सरकार उसको परिवर्तित नहीं कर सकती, उसके लिए दोनों सरकारों की ज़रूरत पड़ती है। दोनों सरकार यानी कि दो स्तर या तीन स्तर जितने भी स्तर हो, फिलहाल अपने भारत में दो स्तर है तो हम दो ही स्तर की बात करेंगे, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के जब तक उस संविधान को बदलने के लिए सहमत नहीं हो जाते तब तक उसके कानून को या फिर उसके किसी भी अंग को परिवर्तित या उसमें हस्तक्षेप या संशोधन नहीं किया जा सकता। तो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि अकेले कोई भी प्रकार की सरकार मिलकर के कोई भी कानून क्षेत्र में चेंजेस नहीं कर सकती है। दोस्तों पांचवें नंबर की जो एडवांटेज है संघीय शासन प्रणाली का वो ये है कि जो यहाँ पर केंद्र और राज्य स्तर की दोनों सरकारें हैं उनके जो अधिकार क्षेत्र हैं अगर उनको वो अपने अधिकार क्षेत्र समझ नहीं आ रहे हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि वो अपने अधिकार क्षेत्रों के लेकर के कुछ अलग सी बात कर रहे हैं जो वहाँ पर लिखा ही नहीं है, तो न्यायालय एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो अपने अधिकार क्षेत्रों की व्याख्या करवा सकते हैं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को या फिर उच्चतम न्यायालय को नहीं, खास करके सर्वोच्च न्यायालय को हम कह सकते हैं, न्यायालय को पूरी तरीके से अधिकार प्राप्त है कि वो केंद्र स्तर या राज्य स्तर के बीच में जितने भी अधिकार हैं उन सभी अधिकारों की व्याख्या करेगा, यानी कि उनको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता है उसका क्या मतलब है, और फाइनली जो फैसला राज्य सरकार केंद्र सरकार चाहे कुछ भी कहें, जो फाइनली फैसला अगर सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय कर देगा वही चीज़ मान्य होगा कि हाँ इस लाइन का मतलब ये है और इतने ही आपके अधिकार क्षेत्र हैं। दोस्तों छठा पॉइंट इसका जो है सबसे खास बात ये है कि चाहे वो केंद्र स्तर की सरकार हो या फिर राज्य स्तर की सरकार हो, दोनों को जब पैसे की जरूरत पड़ेगी यानी कि जो वित्तीय स्वायत्तता है उसके अधिकार निश्चित करने के लिए, वित्तीय स्वायत्तता के स्रोत निश्चित करने के लिए पूरी तरीके से संविधान में लिखा गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन किन जगहों से पैसा उठाएगी और किन किन जगहों से पैसा जो आएगा वो किस किस सरकार का होगा। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो भी पैसे, जो भी प्रॉब्लम्स पैसे से रिलेटेड हैं, वित्तीय स्वायत्तता है, वो सब कुछ ऑलरेडी उनके स्रोत जो हैं वो सब कुछ निश्चित हैं। दोस्तों सातवें नंबर का जो इसका पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वही पॉइंट इसको संघीय शासन प्रणाली का बनाता है, यानी कि संघवाद के रूप में इसको बनाता है। वो सबसे जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे देश की जो एकता है, देश की एकता, इसकी पूरी तरीके से सुरक्षा करना और इसको बढ़ावा देना तथा साथ में हमारे देश की जो विविधता है उस विविधता को अच्छे से मध्यस्थता का कार्य करना, यानी कि विविधता में कोई भी खाना नहीं आना चाहिए, हर एक प्रकार के विविधता को समझ करके उसके ऊपर ही सारे इम्प्लीमेंट्स करे जाने चाहिए। तो ये दो पॉइंट जो हैं वो दोनों प्रकार की सरकारों के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि देश की एकता को बहुत अच्छे से उसकी सुरक्षा करी जाए, देश की एकता ना टूटे, उसको बढ़ावा दिया जाए तथा जो हमारे देश में विविधता व्याप्त है, विविधता का मतलब आप समझते होंगे अलग अलग प्रकार के लोगों को जो है, अलग अलग प्रकार की चीज़ों को, यानी कि हर चीज़ अगर अलग अलग है तो उसको हम विविध बोलते हैं। तो हमारे देश में सब कुछ अलग अलग है, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग जाति, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग धर्म के, उनका भौगोलिक सब कुछ अलग है, तो इस हिसाब से जो हमारे देश की विविधता है तो वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित रहनी चाहिए, उसमें कोई भी खनन नहीं आनी चाहिए, यानी कि लोग विविधता को लेकर के परेशान ना हों, देश की एकता उसको बढ़ावा देना और उसकी सुरक्षा, ये दो ऐसे पॉइंट हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर के उठाने हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक अच्छी संघीय शासन प्रणाली या फिर एक आदर्श संघीय शासन प्रणाली वो होती है जो एक दूसरे पर विश्वास करे, एक दूसरे को साथ में लेकर के चले और साथ ही में देश का भला करे। यानी कि ये सारी चीज़ें तो देश में हो ही हो, इसके साथ ही देश को आगे ले जाने के लिए भी वो कार्यरत रहे, प्रेरित रहे और एक दूसरे के साथ में काम करने के लिए कभी भी ना हिचकिचाए। दोस्तों संघवाद यानी कि संघीय शासन प्रणाली बनाने के भी दो तरीके होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि जो संघवाद है ये भी दो किस्म से लागू करा जाता है। नंबर वन का जो किस्म है या फिर हम बोल सकते हैं नंबर वन की जो श्रेणी है उसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा राष्ट्रों को जोड़ करके, जैसे कि ये छोटे छोटे जो देश हैं या फिर हम इनको राष्ट्र बोलते हैं, तो इन राष्ट्रों को जोड़ करके एक बड़ी इकाई गठित करी जाती है या फिर एक बड़ा सा राष्ट्र बना दिया जाता है, बोल सकते हैं एक बड़ी सी इकाई बना दी जाती है जो अपने देश की संप्रभुता तो साथ में रखते हैं, यानी कि इन सब पे जो एक समान शासन तो हो ही रहा है,
साथ में देश अपने खुद के अंदर की जो शासन है, यानी कि बोल सकते हैं अपना खुद का शासन, वो भी अच्छे से चला सकते हैं, साथ में देश की खुशहाली तथा जो है सुरक्षा जैसे चीज़ों को बढ़ाने के लिए एक साथ मिलकर के काम कर लेते हैं। तो ये एक प्रकार का शासन प्रणाली हो गया, इसको प्रथम प्रकार की जो संघीय शासन प्रणाली है ये भी बोल सकते हैं। इस प्रकार की जो शासन प्रणाली है इसके कुछ उदाहरण है जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। दोस्तों ये तीनों जो राष्ट्र हैं या फिर बोल सकते हैं संघ हैं, ये कई अलग अलग देशों को एक साथ जोड़ करके बनाए गए हैं। दूसरे प्रकार की जो शासन प्रणाली होती है वो क्या होती है कि एक बड़े से देश में बहुत सारे राज्य बना दिए जाते हैं, जैसे कि अपना भारत। तो यहाँ पर ये राज्य जो हैं थोड़े अलग अलग तरीके के काम करते हैं और राज्य जो पूरे देश की सरकार है वो सबके लिए एक साथ काम करती है, सारे राज्य अपने हिसाब से काम करते हैं, कोई जवाबदेही होती नहीं। मैंने इसके बारे में आपको अभी भी समझाया। इसमें खास बात ये होती है कि इसमें केंद्र सरकार के पास में पावर थोड़ी सी ज़्यादा होती है और राज्य सरकार के पास में पावर थोड़ी कम होती है, जबकि यहाँ पर इन राष्ट्रों के पास में पावर ज़्यादा होती है जबकि पूरे ग्रुप के पास में पावर कम होती है। यानी कि ये जो पूरा ग्रुप है ये केवल कुछ ही कामों के लिए बनाया जाता है, जबकि यहाँ पर जो केंद्र है ये हर एक काम के लिए बनाया जाता है। उसमें बस राज्य सरकार को अपने अपने अधिकार दे दिए जाते हैं, लेकिन इनके पास जितने भी अधिकार हैं वो केंद्र सरकार से थोड़े से कम होते हैं। यहाँ पर राष्ट्रों के पास में पावर थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दोस्तों आज के इस चैप्टर में बस इतना ही, आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आगे का पार्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिए ताकि मेरा भी भला हो और आपका भी भला हो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय और गुड बाय।